एक ऐसी करेंसी जिसका उपयोग भविष्य में बढ़ता जा रहा है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है। मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, जिसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। लेकिन अगर नहीं सुना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिटकॉइन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसी डॉलर, रुपीस, पौंड आदि होते हैं। लेकिन ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट करेंसी है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। पॉइंट नंबर टू, अब सवाल ये उठता है कि भाई बिटकॉइन को किसने बनाया है? तो बिटकॉइन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है संतोषी नाकामोटो। इन्होंने 2009 में बिटकॉइन का आविष्कार किया था। लेकिन जब इसका आविष्कार हुआ था तब इसको कोई नहीं जानता था, ना ही इसकी इतनी वैल्यू थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती गई और अगर आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत इंडियन रुपीज में देखी जाए तो लगभग 40 लाख के आसपास है। इसकी रेट घटती बढ़ती रहती है, इसका भी एक कारण है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी बिटकॉइन की कीमत जाननी है तो आप गूगल पर टुडे बिटकॉइन रेट सर्च करके बिटकॉइन की कीमत देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको भी लगता है कि जो बिटकॉइन है ये बहुत महंगा है, हम इसे खरीद नहीं सकते या एक बिटकॉइन हम खरीद नहीं सकते, तो ये जो तीसरा पॉइंट है इसको थोड़ा गौर से सुनना। पॉइंट नंबर थ्री, आपको बता दो कि जिस तरह एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी जो एक रुपया है उसे 100 पैसों में डिवाइड कर दिया गया है, उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ संतोषी होते हैं। इससे बिटकॉइन की एक बड़ी राशि छोटे छोटे संतोषी में डिवाइड हो जाती है और आप आराम से उन छोटे छोटे भागों को खरीद सकते हैं। अरे भाई, बिटकॉइन के बारे में हमें सारी नॉलेज मिल चुकी है कि भाई बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को किसने बनाया है और बिटकॉइन को हम कैसे खरीद सकते हैं। ये तो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन बिटकॉइन को खरीदे कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा डाउट है हमारा। तो गाइस, आपके भी मन में ये डाउट है तो ये जो फोर्थ नंबर है ये इसी से रिलेटेड है कि बिटकॉइन कैसे खरीदें। बिटकॉइन खरीदने के लिए मेन 3 वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट BTCX इंडिया, दूसरी वेबसाइट यूनोकॉइन और तीसरी वेबसाइट लोकल बिटकॉइन। इन तीनों वेबसाइट्स पर अगर आप जाते हैं तो ये आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। और आप सभी इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। 5 पॉइंट, बिटकॉइन के भाव में उतार चढ़ाव कैसे आता है? बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। ये एक स्वतंत्र मुद्रा है, एक इंडिपेंडेंट करेंसी है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसका अधिकार किसी के भी पास नहीं है, यानी इसकी जो अथॉरिटी है वो किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि रुपीस, डॉलर, यूरो या अन्य मुद्राओं की तरह इस मुद्रा का संचालन किसी राज्य, देश, संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जाता। इसके भाव में उतार चढ़ाव दुनिया में चल रही घटनाओं के आधार पर आते हैं, इसी कारण इसे हम एक जुआ भी कह सकते हैं, जिसमें या तो सीधा करोड़पति बन सकते हैं और या सीधा रोड़पति बन सकते हैं। अगर आप में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि दुनिया में क्या चल रहा है और शेयर मार्केट का अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो शायद आप बिटकॉइन से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन काफी लोग जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था उनके पैसे डूब भी गए और काफी लोग जिन्होंने पैसे कमा भी लिए। गाइज, आप पर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप बिटकॉइन को किस तरह से यूज करें। गाइज, वीडियो इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि बिटकॉइन से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटी का निशान भी जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।